subscribe to our channel and press the bell icon. अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जमात हश्तुम की छठी नज़्म दिलों में रोशनी करो, जिसे यूनुस खन्नौजी ने लिखा है, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपका हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पहली बात, बचपन में हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें चलना चाहिए और कदम बढ़ाएं तो मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन अगर हम हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें तो सुस्त रवि और कमज़ोरी के बावजूद मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मंजिल पाने का जज्बा कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। ज़ैल की नज़्म में मुसीबतों और रुकावटों के बावजूद हिम्मत ना हारने और आगे बढ़ने की तरगीब दी गई है। यानी इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल क्या है कि हिम्मत ना हारे, आगे बढ़े, कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जान पहचान, यूनुस खन्नौजी का पूरा नाम मोहम्मद यूनुस बेग था। वो 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शहर खन्नौज में पैदा हुए। इनकी नज़में मशहूर हफ्त रोज़ा निदाए मिल्लत में शाया होती रही हैं। इन्होंने अपनी नज़मों में कौमी मसाइल को पेश नज़र रख कर इनके हल तलाश करने की तरगीब दी है। इनके अफकार और ख़यालात में एक मुनज़्ज़िम फ़िक्र और सालेह इक़दार की फरावानी होती है। शोला अफकार और ज़ख्म एहसास इनके शेरी मजमूए हैं। 1983 ईस्वी में यूनुस खन्नौजी का इंतकाल हुआ। ज़ैल की नज़्म इनके मजमू कलाम शोला अफकार से ली गई है। चलिए शुरुआत करते हैं नज़्म, इसे हम पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे, अशार की तशरीह करेंगे, इसका ख़ुलासा भी समझेंगे। बहुत फरेब खा चुके, बड़े अलम उठा चुके, बहुत फरेब खा चुके, बड़े अलम उठा चुके, हुजू में गम में खो चुके, तबाह हाल हो चुके, रज़ा पे सर झुका चुके, रज़ा पे सर झुका चुके, नसीब आजमा चुके, सुकून में आग लग चुकी, मताए जा सुलग चुकी, नज़र उदास हो चुकी, शिकार यास हो चुकी, वफा की हद भी हो चुकी, जफा की हद भी हो चुकी, वफा की हद भी हो चुकी, जफा की हद भी हो चुकी, बस अब जफा व जोर की कलाइयों को थाम लो, बस अब जफा व जोर की कलाइयों को थाम लो, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। अब इस बंद में शायर क्या कहता है, बहुत फरेब खा चुके, बड़े अलम उठा चुके। फरेब यानी धोखा, अलम इसे गम कहते हैं। एक अलम जो होता है ऐन से, इसके माने होते हैं झंडे के, लेकिन यहाँ अलीफ से अलम है, यानी गम दुख। दूसरा है नसीब आजमाना, नसीब आजमाना यानी किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। उसके बाद है मताए जा कहते हैं पूंजी को। और वफा की हद भी हो चुकी, जफा की हद भी हो चुकी, बहुत फरेब खा चुके। शायर क्या कहता है, शायर इस नज़्म में हिम्मत न हारने और आगे बढ़ने की तरगीब देते हुए कहता है कि हम बहुत धोखे खा चुके हैं, बड़े गम व अलम उससे दो चार हो चुके हैं, बड़ी तबाहियाँ झेली, मगर हालात से समझौता करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वफा और जफा की हदों को पार करके नसीब आजमा के हम आज इस मकाम पर पहुँच चुके हैं। और शायर कहता है कि हम नाउम्मीदी का शिकार हुए हैं, मगर अब जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस अब जफा व जोर की कलाइयों को थाम लो, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। बजा के आज दहर में तुम्हारे मेरे शहर में, बजा के आज दहर में तुम्हारे मेरे शहर में, फ़ज़ा में इंतशार है, गुबार ही गुबार है, फ़ज़ा में इंतशार है, गुबार ही गुबार है, भटक रही है ज़िंदगी, पनप रही है तैरगी, भटक रही है ज़िंदगी, पनप रही है तैरगी, मगर मुझे बताओ तो ज़रा नज़र मिलाओ तो, मगर मुझे बताओ तो ज़रा नज़र मिलाओ तो, दिलों में ये हरास क्यों, नज़र शिकार यास क्यों, दिलों में ये हरास क्यों, नज़र शिकार यास क्यों,
थके थके हो किस लिए, बुझे बुझे हो किस लिए, यकीन करो कि तुम जहाने जीस्त के इमाम हो, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। अब यहाँ पर शेर क्या कहता है, बजा के आज दहर में तुम्हारे मेरे शहर में, यानी यहाँ पर शायर क्या कहता है कि फ़ज़ा में इंतशार है, बिखराव है और हर तरफ क्या है, गुबार ही गुबार है, भटक रही है ज़िंदगी, पनप रही है तैरगी, तैरगी यानी कि अंधेरा फैल रहा है और दिलों में ये, मगर मुझे बताओ तो ज़रा नज़र मिलाओ तो, दिलों में ये हिरास क्यों, नज़र शिकार यास क्यों। हिरास किसे कहते हैं, हिरास के मायने खौफ, खौफ का फैल जाना, थके थके हो किस लिए, बुझे बुझे हो किस लिए, यास उम्मीद को कहते हैं और बुझे बुझे होना नाउम्मीद हो जाना, और जहाँ ने जीस्त के इमाम यानी कि दुनिया जहाँ ज़िंदा रहा जाता है, इमाम यानी क़ायद लीडर को कहते हैं। अब इस बंद में शायर क्या कहता है, हम नाउम्मीदी का शिकार हुए मगर अब ज़ुल्म व सितम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायर कहता है कि आगे बढ़ो और जफाकारों की कलाइयों को पकड़ो, ये बात सच है कि शहर ब शहर, दयार ब दयार फ़ज़ा में एक इंतशार बरपा है, हर तरफ गर्द गुबार नज़र आ रहा है, ज़िंदगियाँ रास्तों की तलाश में है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता नज़र नहीं आता, पांव थके थके से हैं, दिल उदास है, मगर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इन हालात को बदल सकते हैं, बस कदम बढ़ाने की देर है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। बिके हुए ज़मीर से, दबे हुए खमीर से, बिके हुए ज़मीर से, दबे हुए खमीर से, शऊर आरज़ू न लो मज़ाक जुस्तजू न लो, शऊर आरज़ू न लो मज़ाक जुस्तजू न लो, तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त जम ये ताज के, नज़र में बिजलियाँ भरो दिलों में रोशनी करो, नज़र में बिजलियाँ भरो दिलों में रोशनी करो, ये रज़्म गाह खैर व शर है, ये रज़्म गाह खैर व शर है, जाने कब से मुंतज़िर, ये रज़्म गाह खैर व शर है, जाने कब से मुंतज़िर, कहीं से कोई लौ उठे कहीं तो कोई गुल खिले, कहीं से कोई लौ उठे कहीं तो कोई गुल खिले, हवस गजीदा शाम से सहर का इंतकाम लो, हवस गजीदा शाम से सहर का इंतकाम लो, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। अब शायर क्या कहता है, यानी कि जम ये ईरान का बादशाह जमशीद का मुखफ़ है, कै यानी कियानी बादशाह कैगबाद के नाम का मुखफ़ है, रज़्म गाह यानी मैदान जंग, लौटना चिराग जलना, नई बात की इब्तिदा होना, गुल खिलना रोशनी होना, चिराग जलना ये फूल खिलने से भी मुशाबा किया गया है, हवस गजीदा शाम यानी बुराई की तारीकी को फैलने से रोकने वाली शाम। चलिए इसका आगे का हिस्सा, इसका हम खुलासा समझते हैं। बिके हुए ज़मीर से, दबे हुए खमीर से, मगर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इन हालात को बदल सकते हैं, बस कदम बढ़ाने की देर है। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो ज़मीर फरोश है, जिन्होंने जुल्म से हाथ मिला लिया है, मगर हमें इनसे मरूद नहीं होना चाहिए, इनसे असर कबूल नहीं करना है। अगर हम उठ खड़े हों तो तख्त व ताज को ठोकरों से उड़ा सकते हैं, चाहे वो ईरान का बादशाह जमशीद का हो या फिर कियानी बादशाह के अखबाद का हो। अगर हम उठ खड़े होंगे तो तख्त व ताज को ठोकरों में उड़ाएंगे। दुनिया अच्छाई और बुराई के दरमियान होने वाली जंग का मैदान है। वक्त ये चाहता है कि कोई जुल्म व तशद्दुद से लोहा लेने वाला उठ खड़ा हो, हिम्मत से कदम बढ़ाओ और दुनिया के निज़ाम को बदल डालो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।